नमस्कार किसान साथियों, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देख सकते हैं आज हमारे पास है न्यू हॉलैंड का 3600-2 मॉडल ट्रैक्टर और ये रोटावेटर है। तो भाई इस पे हम आज जो है डीजल एवरेज निकालने वाले हैं कि 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर कितना डीजल खा रहा है। 3600-2 देख सकते हैं, ये रोटावेटर शक्तिमान का सेमी चैम्पियन प्लस प्लस। देखिए ये 5.5 फीट में है, कटिंग 5 फीट है इसकी पूरी प्रॉपर। और इसकी ब्लेड भी दिखा देता हूँ मैं, कितने परसेंट है सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देख सकते हैं लगभग 50% ब्लेड भी है, कोई सी कम भी है। तो ये ब्लेड का ये है साइज कितनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डीजल इसका पूरा पहले निकाल लेंगे, टंकी में से साफ कर लेंगे डीजल। देख सकते हैं टंकी से डीजल साफ हो रहा है, उसके बाद डीजल नाप के डालेंगे। तो देखिए भाइयों, ये जो है इसमें डीजल पूरा निकल गया है इस तरीके से। ये जो है मेन पाइप है टंकी का, देख सकते हैं इसमें डीजल आ रहा है। तो भाई टंकी भर के क्या है, थोड़ा सा एक्चुअल डीजल का एवरेज पता नहीं चल पाता है उसमें, और इसमें एक्चुअल पूरा पता चल जाएगा कितना डीजल लिया है कितना बचा है, सारी चीज़ें जानकारी इसमें स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। तो चलिए इसको पहले अपन ढक्कन वगैरह लगा लेते हैं इसका जो टंकी का है, और इसको जो डीजल डाल के इसको चालू करते हैं। डीजल कितना डालेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। डीजल नाप के डालेंगे नाप से अपन लोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो झब्बी लगा ली हमने, और इसमें अब 1 लीटर डीजल डालेंगे मात्र, क्योंकि इसको 15 मिनट ही चलाएंगे अपन। तो उसके बाद जो भी पता चल जाएगा कितना डीजल खाया इसने। तो 1 लीटर देखिए, ये जो है इसमें 1 लीटर 1000 ml फुल भरा हुआ है, थोड़ा सा कम है, मात्र कुछ 1 पॉइंट कम है, लगभग हो ही गया, बराबर ही है। तो इसको डाल लेते हैं और फिर चालू करते हैं इसको। तो देखिए इस तरीके से इसको डाल लेते हैं। भाई 1 लीटर डीजल डाल लिया है, तो अब इसको रख के चालू करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसको कावे में लगाते हैं, मतलब जो राउंड में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, जो ट्रैक्टर है लो के 3 में चलेगा, और RPM इसके 1200-1300 रहेंगे, क्योंकि इसमें 1620 का गियर है। और देखिए ये स्टॉप वॉच चालू कर दी अपन ने, तो लगभग 6:01 का टाइम हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, 3 में चलाओ, लाओ तीसरा में 3। अरे लो तीसरा में चलाओ, लो तीसरा में। ये देखिए दोस्तों, लो तीसरे में चल रहा है। जमीन थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि कपास का जंगल था, तो वो पानी इसमें दिया हुआ नहीं था, तो इस कारण से हो रहा है। इसकी गहराई वगैरह सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं। शक्तिमान का सेमी चैम्पियन प्लस प्लस रोटावेटर है, सबसे हेवी। तो देख सकते हैं इसके टीयर भी दिखा देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा गहराई पर है। वाइब्रेशन कर रहा है रोटावेटर, क्योंकि थोड़ा सा कल्टीवेटर कम लगा हुआ है, क्योंकि ज़मीन में पानी बिल्कुल भी दिया हुआ नहीं था, और ये मलियार जमीन है रेतीली टाइप, तो उसमें पानी में जाता तो बहुत हार्ड हो जाती ज़मीन। देखिए दोस्तों इस तरीके से चल रहा है। देखिए दोस्तों ये जो कुछ है अब शानदार आ रही, क्योंकि इधर कल्टीवेटर अच्छा लगा हुआ है। और गहराई भी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए गहराई भी दिखा देता हूँ मैं आपको। लगभग 1 बिलास के आसपास गहराई है, देख सकते हैं आप भाई, अच्छी गहराई भी लेके चल रहा है। RPM वगैरह भी दिखाऊंगा मैं, कितने ड्रॉप कर रहा है, कैसे चल रहा है। दोस्तों लीवर भी दोनों नीचे हैं, सेंसिंग लीवर और पोजीशन लीवर दोनों नीचे हैं, फुल डेप्थ लेके चल रहा है। देखिए जमीन भी पूरी काट रहा है 5 फीट, देखिए ये। और लगभग 5 मिनट के आसपास चल चुका है ट्रैक्टर, देख सकते हैं। देखिए भाइयों, साउंड भी सुनिए, ये आम 3600-2 से अलग इसका साउंड है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं, तो मैं दिखाऊंगा क्या चेंज किए हुए हैं इसमें। इसका वीडियो एक अलग आएगा, डेडिकेटेड वीडियो आएगा उसके ऊपर।
पूरी जानकारी सहित। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिट्टी के ढेले हैं ये, जो फूटते ही नहीं आसानी से। भाई आपको अगर इसके बारे में और भी कोई डीजल एवरेज का चाहिए, कल्टीवेटर वगैरह, सीड ड्रिल वगैरह, किसी पे भी डीजल एवरेज चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके ऊपर अब सारी सीरीज के ऊपर आएंगे वीडियो, कल्टीवेटर में कितना खाता है, तोता हल पे कितना खाता है, सीड ड्रिल पे कितना खाता है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं। तो भाई लगभग ये जो है 7 मिनट चल चुका है, देख सकते हैं। आरपीएम वगैरह भी चेक कराता हूँ मैं अब चढ़ के ऊपर। देखिए दोस्तों, अभी हमने 1700 RPM किए हैं इसके। देखिए 1700 RPM पे भी लगभग 200-300 RPM ड्रॉपेज है। तो लगभग शाम का टाइम हो गया है, शाम के 6:10 हो चुके हैं और अभी 9 मिनट चल चुका है ट्रैक्टर, देख सकते हैं आप। अभी भाई 1700 RPM पे चल रहा है और ड्रॉप करने के बाद 200 RPM ड्रॉप कर रहा है, 1500 पे चल रहा है लगभग। देखिए इस तरीके से कचरा है खेत में, और रोटावेटर होने के बाद देख सकते हैं आप इस तरीके से हो गया है खेत ये। देखिए दोस्तों, लगभग 12 मिनट हो चुके हैं, तो 3 मिनट और चलाएंगे अभी इसको हम। और भाई जो ये 14 के टायर में है और अगला टायर 6:50-16 का है। देख सकते हैं भाइयों, जो मिट्टी उछल उछल के ये जो कब्जों के यहाँ से बाहर गिर रही है, देख सकते हैं इस तरीके से। समझ सकते हो कि रोटावेटर कितना भार के चल रहा है। और भाइयों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे ये नॉर्मल किसी के खेतों में चलता है, जैसे अपन भाड़े का काम करते हैं उस तरीके से चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। कोई वो नहीं है कि ज़्यादा भगा भगा के चला रहे हैं, कि ज़्यादा धीरे धीरे चला रहे हैं तो कम ज़्यादा डीजल का एवरेज पड़ेगा। नॉर्मल स्पीड पर चल रहा है, जैसे सभी के यहाँ पर काम करते हैं अपन लोग, वैसे ही चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे भाड़े से करते सभी के यहाँ सेम वैसे ही चल रहा है। तो लगभग 13.5 मिनट चल चुका है ट्रैक्टर। तो देखिए दोस्तों, लगभग 14 मिनट चल चुका है, थोड़ी सी देर और चलेगा फिर इसको बंद करवाते हैं। भाई थोड़ी सी रात भी हो गई है, शाम भी हो गई है, तो थोड़ा सा अंधेरा भी छाने लग गया है। तो लगभग 14.5 मिनट चल चुका है, 20 सेकंड और चलाएंगे इसको। देखिए दोस्तों, साउंड भी सुन सकते हैं रोटावेटर के RPM के, इतना फास्ट घूम रहा है रोटावेटर। लगभग टाइम पूरा होने में, बस बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। देखिए दोस्तों, 15:07 चला है, तो अब इसका डीजल एवरेज निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट चल गया, अभी डीजल इसका निकालेंगे, टंकी में से कितना डीजल बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो डीजल पूरा आना बंद हो गया है, देखिए इस तरीके से। तो अभी देखते हैं कितना डीजल खाया है इसने। देखिए दोस्तों, लगभग इसने 600 से
650 से कम है, मतलब देखिए लगभग इसने 600 पे है, तो इसने लगभग 400 ml डीजल पिया है 15 मिनट में, तो आधे घंटे में 800 ml डीजल पिएगा, तो 8 × 16 मतलब 1 लीटर 600 ml डीजल पिएगा ये। इसका एवरेज अभी इतना निकला है रोटावेटर पे, भाई मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ठीक है दोस्तों। इसने इस तरीके से डीजल खाया है तो लगभग 1 लीटर 600 ग्राम डीजल खाता है ये खेत में ऑन चलते चलते। तो भाई ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।